और डर वो अनजाना डर है, तो वो ऐसा डर है वो कभी लोग बता भी देते हैं, वो ये भी कर देते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता, तो ये 10 में से 8 में जाएगा। इस टाइप से आप क्या करो, उसकी न्यूमेरिकल नंबरिंग करो, फिर सेम चीज होगी किसके साथ, वीकनेसेस के साथ होगी, सेम चीज होगी ट्रैक्स के साथ में होगी, आप इसको ऐड करो, तो आप एक लगभग आइडिया पहुंच जाओगे। ये एग्जैक्ट नहीं होगा फिर भी, लेकिन एक लगभग आइडिया आपको समझ आएगा कि कौन किसका पड़ना ज्यादा भारी पड़ रहा है नंबरिंग। वो नंबरिंग आपने की है, ऑनेस्टली की है, किसी को बताया नहीं है, किसी को दिखाया नहीं है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि हमारा जो वेटेज का पैटर्न है वो कहाँ पर थोड़ा ठीक होना चाहिए, किस तरफ जा रहा है। और वो भी आप जैसे दो तीन बार अलग अलग करोगे ना, जब किसी चीज को हम सोचते रहते हैं तो वो एक सही डायरेक्शन सही शेप ले लेते हैं। तो ये दो तीन बार में आप करो, आपको अपने आप समझ आने लगेगा कि ये मैं आगे सब्जेक्ट के बारे में भी आपसे भी ये बात करूंगा, कैरियर के बारे में तब भी मैं यही आपसे बात करना चाह रहा था कि ऐसे आपको थोड़ा सा ना जरा मतलब बहुत कोशिश करनी चाहिए ऑब्जेक्टिव होने की, हम हो नहीं पाते हैं पर कोशिश करनी चाहिए, हमें लगभग उत्तर मिलेगा। थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। अब मैं आपसे आपके कैरियर के सब्जेक्ट के बारे में, राजेश सर ने बहुत एलोबरेट करके आपको वो सब बातें की हैं, तो मैं थोड़ा अलग डायरेक्शन में आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने सबसे पहले आपको लिखा कि ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट कैसे हेल्प करते हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ऐसे बता रहा हूँ कि जब मैं चाहे नौकरी पे गया या फिर मैंने बिजनेस जमाना शुरू किया, अगर किसी चीज़ ने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प की तो वो जो एक पर्सनैलिटी मेरी बनी हुई थी, और उस पर्सनैलिटी में ना मैथमेटिक्स का बहुत योगदान देखा मेरे को। हालांकि 12th में मतलब 198 आउट ऑफ 200 मिले थे, लेकिन वो सारे के सारे 198 मार्क्स ना गो इन वैन, ना मुझे आज ट्रिग्नोमेट्री याद है, ना मुझे ज्योमेट्री याद है, ना मुझे एलजेब्रा याद है, और ना ही मुझे ये बाकी जो थ्योरम्स हैं वो याद है, और ना उन्होंने मेरा कोई हेल्प की है लाइफ में किसी भी तरह से। वो सिर्फ चूंकि पढ़ना चाहिए, वो जैसे वेटचार्ट में पढ़ाते हैं वैसे मैंने पढ़ लिया था और मेरे नंबर आ गए, पर मैं कुछ नहीं, पर जो मैंने बाकी ह्यूमैनिटीज में पढ़ा, जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी उसने मुझे बहुत हेल्प की। जब भी लाइफ में कभी ऐसा कुछ आता है कि व्हाट टू डू, जैसे वो गांधी जी ने एक मंत्र दिया था आप लोगों को मालूम होगा, जिसको आपकी किताबों में पीछे लिखा रहता है कभी कभी, जब कभी तुम्हें कंफ्यूजन हो कि तुम्हें इस स्टेप में क्या करना है क्या नहीं करना, तो तुम अपने देश की सबसे लास्ट में खड़े व्यक्ति के बारे में सोचो, मतलब जो एक गरीब या ऐसा वाला डिप्राइव आदमी है ना उसके बारे में सोचो कि तुम्हारा जो कदम होगा तुम्हारा डिसीजन होगा वो उसको कैसे हेल्प करेगा। तो ये इसी टाइप का जो मंत्र है वो मंत्र मैंने खुद को दिया था उस टाइम कि भैया जो ये चीज़ें हैं हमारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में जो वैल्यूज हैं उनसे हम क्या ग्रैप कर सकते हैं और उससे हम हेल्प लेके अपना डिसीजन लेते हैं। तो वो जो चीज़ें थी, चाहे हिस्ट्री की चीज़ें हैं या चाहे सिविक्स की चीज़ें हैं या जो मैंने बाकी अपने ग्रेजुएशन के बाद जो सब्जेक्ट मैंने ऑफ किए, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पढ़ा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरपर्सनल रिलेशन एक अलग से टॉपिक है मेरे को, अगर सबसे ज़्यादा हेल्प किसी ने किया है तो इंटरपर्सनल रिलेशन में, मैं सबसे ज़्यादा इंप्रेस अगर किसी सब्जेक्ट से हूँ तो दैट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और उसमें ना बहुत सारे कई अच्छे अच्छे विचारक हैं, मतलब जैसे डिसीजन मेकिंग पे साइमन ने बहुत अच्छा लिखा है, डिसीजन मेकिंग आप सबका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब मैं कई बच्चों को देखता हूँ तो वो ये भी नहीं तय कर पाते कि वो कपड़े कौन से खरीदेंगे, उनके माँ बाप तय करते हैं कि वो जूता कौन सा पहने और वो कपड़ा कौन सा पहने। अगर आप लोग इस स्थिति में हैं कि आपके मम्मी पापा ये तय कर रहे हैं कि आप कपड़े क्या पहनेंगे जूते क्या पहनेंगे, तो आप संकट में हैं, आप बिल्कुल ये चीज बिल्कुल त्याग दीजिए, आप खुद तय करेंगे। आपको इतनी समझ अब तक आ जाना चाहिए, इतने बड़े आप हो गए हैं, 9th से मेरे ख्याल से बच्चे बैठे हैं, कि अब आपकी माता पिता पर डिपेंडेंसी खत्म। और जो घर में आप देखिए माता पिता का आदर करना बहुत अच्छी बात है और हमें करना चाहिए, गुरुओं का आदर करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन आपका उनसे ओपिनियन में डिफरेंस अगर नहीं हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है। तो आप हमेशा उनसे ओपिनियन, क्योंकि जनरेशन का गैप है, जब जनरेशन का गैप है तो डिफरेंस तो होगी होगी, अगर जनरेशन के गैप में आपको डिफरेंसेस पैदा नहीं हो रहे तो मतलब आपकी अपब्रिंगिंग ठीक नहीं हो रही है। तो इसीलिए आपके माता पिता से भी डिफरेंस होना जरूरी है और गुरुओं से भी डिफरेंस होना जरूरी है, और उनको आप नजर करिए लेकिन शालीनता के साथ। आप लोगों का डिस्कशन कैसे होता है पेरेंट्स से, मतलब थोड़ी देर में बड़ा हॉट हो जाता है, भाई उन लोग को होंगे ही, उनका टेम्परामेंट ऐसा है, पर आपको नहीं होना, आप कूल बन के रहना, अपनी बात कहनी है, अपनी बात समझानी है, चाहे वो जूते की हो, चाहे वो चप्पल की हो, चाहे बाहर पार्टी में जाने वाली बात हो या दोस्तों के साथ पिकनिक में जाने वाली बात हो, आपको उनकी बात को सुनना है समझना है और सही होने पर मानना भी है, और लेकिन अपनी बात को रखने की आप में एक कैपेसिटी होनी चाहिए। तो वो मैं कह रहा था कि ह्यूमैनिटीज में बहुत से अच्छे अच्छे थिंकर हुए हैं, जैसे मैंने आपको साइमन का एग्जांपल दिया जिसने डिसीजन मेकिंग को बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं, डगलस मैकग्रेगर हैं, और वो हमने जो उसमें लूथर गुरु को पढ़ा उसमें पोस्ट वॉर पढ़ाते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में पोस्ट वॉर की थ्योरी, पोस्ट वॉर की थ्योरी नॉर्मली किसके लिए है कि जो आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कर रहे हैं, जो सीईओ बोलते हैं ना आप लोग, कंपनी के सीईओ होते हैं, तो कंपनी के सीईओ को कैसे करना चाहिए, कैसे कंपनी को कंट्रोल करना चाहिए, इसके लिए हमने एक थ्योरी दी है पोस्ट वॉर थ्योरी कहलाती है। वो पोस्ट वॉर थ्योरी में पहले पी से प्लानिंग आता है,
आता है, फिर बी से डायरेक्टिंग आता है, ऐसे करके हम सारी है फिर रिपोर्टिंग है फिर बचते हैं। तो ये पोस्ट फॉर्म में आप लोग अपनी लाइफ में भी अडॉप्ट कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में कैसे अडॉप्ट कर सकते हो, अपनी स्टडी की प्लानिंग आप खुद करो, फिर उसको कैसे ऑर्गेनाइज रखना है, आपकी चीजें अनऑर्गेनाइज कैसे रहती, आपके नोट्स हैं वो कहीं है, वो जंबल अप बुक है, मिक्स अप बुक है, आप अनऑर्गेनाइज है, तो आप अपनी एफिशिएंसी अपनी इफेक्टिवनेस अपने काम कर सकते, आप जो मैक्सिमम दे सकते हैं वो आप नहीं दे पा रहे। तो ये जो थ्योरी ऑफ पोस्ट फॉर्म है, कभी आप लोग अलग से भी मिलकर बात करेंगे, अभी थोड़ा टाइम मेरे पास कम है और मैं आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं थोड़ा सा कम होकर बोल रहा हूँ आपसे। तो ये पोस्ट फॉर्म की थ्योरी भी आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर मैंने आपसे बताया कि वो जो एक हायरार्की का स्पैन है, जो मोटिवेशन के बारे में है कि आपकी बेसिक नीड्स हैं, ये सब बहुत अच्छी अच्छी चीजें ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में मैंने पढ़ी, जिसको मैंने लाइफ में अडॉप्ट किया। और मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने जिंदगी में किसी भी तरह से कुछ हासिल किया, मतलब इसको सेटिस्फेक्शन के लेवल, नॉर्मली लोग क्या समझते हैं कि पैसा आपने कमाया तो आप सफल है, मेरा वो फंडा नहीं है, मेरे बात बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन लोगों के हिसाब से भी अगर माने तो उस हिसाब से देखे मैंने, मतलब जो नॉर्मली मेरे साथ के लोग उनसे ज्यादा पैसा कमाया तो उस हिसाब से भी जो कुछ किया वो ह्यूमैनिटीज के दम पे किया, अगर मैंने कोई सब्जेक्ट पास किया तो ह्यूमैनिटीज के कारण किए, अगर आज मैं कुछ हूँ आपसे बात कर रहा हूँ तो उसमें मैक्सिमम 80-90% ह्यूमैनिटीज का है। तो इसीलिए मेरा आपसे कहना ये है कि सब्जेक्ट चूज करते समय और पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि आगे आपको कितना काम आने वाला है। ऐसा कहकर मैं साइंस वालों को या दीगर सब्जेक्ट को नीचा नहीं दिखाना चाह रहा, दे आर द अल्टीमेट पीपल, साइंटिस्ट नहीं होंगे तो हमारी ग्रोथ आगे नहीं होगी, सारी चीजें उनकी है, डिस्कवरी उनकी है, लेकिन वो एक छोटा परसेंटेज है। जो लोग ट्रूली मैथ्स में रुचि रखते हैं, जो लोग ट्रूली साइंस में बहुत रुचि रखते हैं, उनको वो सब्जेक्ट कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि दे आर ऐसे लोग भी कुछ करेंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं जो भेड़ चाल देख के उनके पीछे जा रहे हैं, वो अपने माँ बाप को भी समझे और खुद भी समझे कि उनके लिए नहीं है वो सब्जेक्ट, वो आराम से ह्यूमैनिटीज पढ़ें, अपने आप को ग्रूव करें और अपनी पर्सनालिटी को निखारें, और जब अपनी पर्सनालिटी को निखार बाहर आएंगे तो वो बहुत वैल्यूएबल ऐसे होंगे सोसाइटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, देश के लिए। तो आप ये समझें कि जो एक 5% वाले लोग हैं उन 5% का पीछा 65% लोग करेंगे तो क्या हाल होगा जो आज हो रहा है। अभी सर जैसे बता रहे 65 इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में है, उसमें से 62 की हालत यह है कि बंद होने की कगार पे। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि भेड़ चाल पेरेंट्स ने लगा दी, भेड़ चाल आपने लगा दी, सारे उसके तरह चलते चले गए, और पेरेंट्स को जब भी उनकी वो हालत दुखद हालत देखते मेरे को गाना याद आता बार बार, वो जो ऑल इज वेल का गाना नहीं है, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा और वो लाइफ मिलेगी या तवे में फ्राई होगा। तो भैया आप लोग कोई अंडा नहीं होगा, आप लोग कोई भी तवे में फ्राई नहीं होगा, आप लोग बिल्कुल तवे में फ्राई होने वाले, और माँ बाप को भी बता दो कोई इसमें चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है, अगर हम ह्यूमैनिटीज पढ़ेंगे तो अपनी पर्सनैलिटी ग्रो करेंगे, और पर्सनैलिटी ग्रो करके जब हम आगे आएंगे तो देखिए जो आप अगर ऊपर से जरा देखना शुरू करो कि जरा सबसे ऊपर अपन देखते हैं अपने सोसाइटी की हायरार्की में सबसे ऊपर अपन किसको रखते हैं, पॉलिटिशियंस को रखते हैं। पॉलिटिशियंस हमेशा जो कुछ कर पाते हैं वो उनके आर्ट का नॉलेज, उनके कल्चर का नॉलेज, उनकी हिस्ट्री का नॉलेज, उनकी पॉलिटी का नॉलेज, उनके कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज, ये जब नॉलेज है तो एक अच्छा पॉलिटिशियन अच्छा पॉलिटिशियन होगा। उसको ट्रिग्नोमेट्री आती है कि नहीं आती, उसको ये आपके बायो के बारे में कुछ पता है कि नहीं पता, बहुत फर्क नहीं पड़ता, मतलब मोटा मोटा वैल्यू साइंटिफिक होनी चाहिए, उसकी अप्रोच साइंटिफिक होना चाहिए, अप्रोच साइंटिफिक आपकी भी हो सकती है। फिर आते हैं सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स के लिए भी क्या काम आते हैं, वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट काम आते हैं। फिर उसके बाद आप इकोनॉमी में आ जाए, जितने सीईओज हैं वो सारे उन्होंने क्या पढ़ा है वो सब पढ़ के आए हैं, एमबीए किया हुआ है उन्होंने, या उनकी जो जितनी स्टडीज है वो इंटर कल्चरलेशन तो मैंने पढ़ाया, एचआर मैंने इसमें उसमें, तो ये सारी ब्रांचेस जो है वो इधर की है। तो आप जो 60% लोग हैं आपके लिए बेहतर बने हुए सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज में, आप जरा खोल कर देखो तो आपको लगने लगता है कि वो तो जाके वो बीए करके जिस बच्चे को ऐसा लोग देख रहे थे वो भी बन जाओ, नहीं बहुत सारे स्कोप है, तो वो आपको बेस पहले देखना है समझना है और फिर उनको अपने हिसाब से एक्सप्लोर करना है। फिर मैंने आगे वो चीज लिखी है कि जब अगर आपको ये आप उसको प्रेस्टीज का बड़ा शौक है लोगों को कि मेरी बड़ी जरा सोसाइटी में प्रेस्टीज होनी चाहिए, तो प्रेस्टीज किसकी है, सबसे ज्यादा पॉलिटिशियन की है, फिर ब्यूरोक्रेट्स की है, और जो आपके अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी है, वो सारे के सारे किस सब्जेक्ट से, वो सारे के सारे ह्यूमैनिटीज से आ रहे हैं। तो ये बात को आपको समझाना है, और ह्यूमैनिटीज आपको ना एक समझौते के रूप में नहीं लेना, जैसा राजस्थान ने बताया कि वो आपका वहाँ ये नहीं मिला तो ये ले लिया, वो फिर उसके बाद में बड़े दुखी बनते आप आए कि अब चूंकि कुछ ना मिला तो ये ले लिया। तो ये इस भाव से अगर आप आएंगे तो आप तो मत करो यार पढ़ाई, छोड़ दो ना पढ़ाई, पढ़ाई भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आगे बढ़ती हो। अगर आपको आभार आ जाओ आप देखो ना, छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं जो आपके ये कहलाते हैं अप्रेंटिसशिप कहलाती है, शॉर्ट जॉब होते हैं, पार्ट टाइम जॉब होते हैं, अब आ जाओ अमेरिका में यूरोप में क्या होता है, वो 10th तक पढ़ते हैं उसके बाद में शॉर्ट जॉब पे आ जाते हैं, बहुत सारे लोग 50 साल पढ़ते हैं और वो आगे जाकर बहुत क्योंकि जॉब
स्कूल में सीख रहे हो, अगर आप जबरदस्ती सीख रहे हो या आपको इंजेक्शन लगा लगा के नॉलेज घुस रहा है तो नहीं जाएगा दिमाग के अंदर। वो उससे बेहतर है कि आप शॉर्ट जॉब्स पे छोटे जॉब्स पे चले जाओ, सीखो पढ़ो और कुछ कस्टमर करो अपना करो। अभी सबसे बात हो रही थी, सबने बताया कि वो आपके इसमें बहुत सारे कोर्सेज आ चुके हैं ये जो इवन ये आईटीआई वगैरह के होते हैं और बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं और कितना कुछ है, पता तो करो ना। नेट का जमाना है, आप लोग इतना नेट में बाकी चीजें व्हाट्सएप और फेसबुक पे रहते हैं, बहुत सारा टाइम आप यूट्यूब पे और नेट पे लगाओ, सारी चीजें एक्सप्लोर करो, आपको पता लगेगा कि आपके सामने कितनी ज्यादा वो चीजें। फिर हाई इनकम जो है, हाई इनकम वाले बड़े सारे सारे अदनान खशोगी जितने जो लोग हैं आपको मिलेंगे, वो कौन है? वो आईआर रिलेशन है। आपने को नीरा आईआर का केस सुना होगा, आप भूल गए होंगे उसको, जितने वो टेप पे रिकॉर्ड कर लिए थे, उसने टाटा की भी बात की थी, वो डिले कर दी थी, वो हालांकि वो गलत केस में था, उनके टेप पकड़े गए थे और वो ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ में एक्सेस करके और ये उनको अटैक करते हैं, पर वो उससे हमें ये पता लगता है कि वो कितनी हाईली प्लेस्ड थी। तो इतनी हाईली प्लेस्ड वो किस वजह से, सिर्फ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में एचआर में उनका एमबीए था और उनमें सिर्फ संबंध रिलेशनशिप